अगर आप सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आपको मेरे वीडियोस एग्जैक्ट उसी वक्त मिल जाएंगे जब मैं उसे अपलोड करता हूँ। विज्ञान की इस दुनिया में हर दिन कोई ना कोई नई डिस्कवरी या इन्वेंशन होती रहती है। जैसे किसी दिन हमें कोई नई एलिमेंट के बारे में पता चलता है और किसी दिन एक ऐसी ग्रह के बारे में पता चलता है जिस पर हम रह सकते हैं हमारी धरती के खत्म होने के बाद। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि हमें लगता है कि हमने दुनिया के सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया, पर असल में इस दुनिया में मिस्ट्रीज भरी हुई है। आज हम हमारे इस दुनिया के बारे में कुछ ऐसी मिस्ट्रीज और सिंपल क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे जिसका उत्तर विज्ञान अभी तक नहीं दे पाया। सो लेट्स एक्सप्लोर द ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। नंबर 5, द अंडरग्राउंड मिस्ट्री। इस धरती के सतह के अंदर क्या है कोई नहीं जानता। हम लोगों को सरफेस और थोड़ी सी गहराई में क्या है बस यही पता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सतह के अंदर क्या है ये तो सब कोई जानता है, सतह के अंदर तो पेट्रोल, कोयला और बाकी मिनरल्स पाई जाती है। पर आपको ये जान लेना चाहिए ये सब बहुत कम ही गहराई में पाई जाती है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो इसके भी नीचे है। साइंटिस्ट ने भी सोचा कि इसके नीचे और क्या क्या हो सकता है। इसके लिए उन्होंने एक गड्ढे को बनाया जो करीब 12 किलोमीटर की थी। पर आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि बस ये 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा दुनिया का सबसे डीपेस्ट गड्ढा है। जी हाँ, आपने सही सुना, आज तक इंसान 12 किलोमीटर से ज्यादा गहरे गड्ढे को नहीं डिग कर सका। इस गड्ढे का नाम है कोला सुपर डीप वेयर होल और ये रशिया में मौजूद है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस गड्ढे को बनाने में करीब 26 साल लग गए थे। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस गड्ढे को और आगे क्यों नहीं कोड़ा गया, इसे सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही क्यों डिग किया गया। इस प्रोजेक्ट को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि जब ये गड्ढा 12 किलोमीटर तक पहुंचा तब इसकी टेम्परेचर काफी बढ़ गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि आप धरती के जितने अंदर जाओगे उतना टेम्परेचर बढ़ता रहता है क्योंकि आप धरती के कोर के सामने जाते रहते हो। 12 किलोमीटर की स्टेज में टेम्परेचर इतनी बढ़ गई थी कि इस गड्ढे को आगे कोड़ना इम्पॉसिबल था। अगर इसके आगे वो कोड़ते तो कोड़ने वाली जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी गल जाती, ये काफी खतरनाक हो सकता था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। साइंटिस्ट बस अनुमान ही लगा सकते हैं पर असल में इसके नीचे क्या है कोई नहीं जानता। इस गड्ढे को द डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट ऑन अर्थ कहा जाता है, मतलब इसके नीचे क्या है किसी को नहीं पता, इसको जस्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम लोग अपने एनालिसिस और थिंकिंग से जस्ट थ्योरीज को निकाल सकते हैं पर एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि इसके नीचे क्या है। टिपिकली एक्सेप्टेड थ्योरी की बात करें तो हमें स्कूल्स में कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है। हम लोग बस एज्यूम कर लिए हैं कि धरती की इतनी लेयर्स हैं, जैसे क्रस्ट, अपर लोअर मेंटल एंड आउटर इनर कोर। पर नए नए डिस्कवरीज होती रहती है और हर बार हमें कुछ नया सुनने को मिलता है। 2014 में एक डिस्कवरी हुई थी, उसके हिसाब से अगर हम धरती के और भी अंदर जाएं तो हमें एक पूरा का पूरा समुद्र मिलेगा जिसमें सतह के ऊपर मौजूद समुद्र से भी ज्यादा पानी है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक अंडरग्राउंड ओशन। कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था, पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक कन्फर्म्ड रिजल्ट है और आप इसके बारे में नेचर की इंटरनेशनल वीकली जर्नल में पढ़ सकते हो। तो अगर इस जगह पे वाटर मौजूद है तो इस जगह पे जीवन भी मौजूद होगा क्योंकि वाटर इज लाइफ, जहाँ जल है वहाँ जीवन है। तो इसका मतलब वहाँ कई प्रकार के अजीब क्रिएचर्स भी मौजूद होंगे जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते। किसी को नहीं पता कि सतह के नीचे आखिर है क्या। नंबर 4, अनएक्सप्लोर्ड केव्स। ये एक बहुत ही फेमस फैक्ट है कि दुनिया का 95% समुद्र आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। जी हाँ, दुनिया के इतने बड़े समुद्र की एरिया में से 95% अनएक्सप्लोर्ड है। दूर दूर के कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ मानव आज तक नहीं पहुँच पाया। बिल्कुल समुद्र की ही तरह इस दुनिया में ऐसे लाखों केव्स यानी गुफाएं हैं जिनमें आज तक किसी ने कदम नहीं रखा और ना ही एक्सप्लोर किया। और जो गुफाएं पाई भी गई उसमें से ज्यादातर किसके लिए बनाए गए थे ये कोई भी नहीं जानता।
नेशनल ज्योग्राफिक ने एक रिसर्च के बेस पे ये अनुमान लगाया था कि बिल्कुल समुद्र की ही तरह इस दुनिया में जितने केव्स हैं, उसमें से 90% को हम लोगों ने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया। अमेरिका इस दुनिया का सबसे एक्सप्लोर्ड जगह है, मतलब यहाँ के लगभग हर जगह को एक्सप्लोर किया गया है। पर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसी अच्छे से एक्सप्लोर किए हुए जगह पर भी आज तक सिर्फ 50% गुफाओं को ही एक्सप्लोर किया गया है। इससे तो आप समझ ही सकते हैं कि दुनिया में कितने सारे रहस्यमय गुफाएं हैं। उन गुफाओं में कैसे कैसे अजीबो गरीब रहस्यमय क्रिएचर्स होंगे ये किसी को भी नहीं पता। नंबर 3, हाउ द मून वॉज फॉर्म्ड। हम चांद को बचपन से जानते हैं, इसके बारे में हम कहानियां सुनते आ रहे हैं। रात को चांद बहुत ही खूबसूरत दिखता है, पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर किसी को नहीं पता कि आखिर चांद बना कैसे, हाउ द मून वॉज फॉर्म्ड। आप में से कुछ लोगों ने कई थ्योरीज के बारे में जरूर पढ़ा होगा, पर ये जान लीजिए कि वो जस्ट थ्योरीज हैं, और थ्योरीज तब निकाली जाती है जब किसी चीज का एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर हमें नहीं पता चलता। चांद के फॉर्मेशन का सवाल भी बिल्कुल कुछ वैसा ही है। हमारे पास इस क्वेश्चन के थ्योरीज मौजूद हैं। चार्ल्स डार्विन के बेटे जॉर्ज डार्विन ने भी एक थ्योरी निकाला था, और उन्होंने ये कहा था कि जब धरती नई थी तब कोई चांद नहीं हुआ करता था। उस समय धरती की स्पिनिंग की रफ्तार काफी तेज थी। धीरे धीरे ये इतनी तेज हो गई कि धरती का कुछ हिस्सा स्पेस में चला गया, और ग्रेविटी के चलते वो टुकड़े आपस में जुड़ के एक गोलाकार ऑब्जेक्ट बन गई, जिसे हम चांद कहते हैं। और जब वो पार्ट धरती से अलग हुई तब धरती की स्पीड नॉर्मल हो गई। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि चांद कहीं और फॉर्म हुआ था, और किसी समय ये धरती के करीब से गुजर रहा था, पर धरती की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि धरती ने इसे पकड़ लिया, और आज तक चांद धरती का चक्कर काट रहा है। सबसे पॉपुलर थ्योरी जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस ये कहती है कि कुछ लाख साल पहले कोई बड़ी ऑब्जेक्ट धरती से टकराई थी, और इसी के चलते जो हिस्से बिखर गए थे वो आपस में मिलके मून बन गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थ्योरीज तो आपस में मैच ही नहीं करती। कोई कहता है कि मून ऐसे फॉर्म हुआ था और कोई कहता है कि मून वैसे फॉर्म हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि साइंस ऐसी ही है, अनएक्सप्लेन्ड चीजों में जस्ट थ्योरीज ही होती है। और मून कैसे फॉर्म हुई ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। सिर्फ थ्योरीज को मान के हम अपने आप को मना सकते हैं कि हाँ मून ऐसे फॉर्म हुई थी, पर एग्जैक्ट आंसर क्या है ये कोई भी नहीं जानता। नंबर 2, अनडिस्कवर्ड सिविलाइजेशंस। जब भी हम पुराने सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में मायंस और इजिप्शियंस आते हैं, और इनकी एग्जिस्टेंस को सच में माना गया है, और इसलिए हम इसके बारे में नॉर्मली स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं। पर रिसर्चर्स और इतिहासकारों के हिसाब से आज भी इस दुनिया में हजारों या फिर लाखों ऐसे सभ्यताएं हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। कुछ तो आज भी जिंदा है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के कुछ निवासियों के बारे में बताया था। वो एक ऐसी सभ्यता है जिनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हर साल कोई ना कोई लॉस्ट शहर डिस्कवर होती है। इसका मतलब जो पहले की लॉस्ट शहर और सिविलाइजेशन है जैसे एटलांटिस और लायन सिटी, ये सब सच में मौजूद थी। बहुत लोगों को लगता है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, पर अगर हम रिसर्च की माने तो ऐसे एक दो नहीं हजारों सिविलाइजेशंस थी और है इस दुनिया में जिन्हें हमने अभी तक खोजा ही नहीं। हो सकता है कि धरती के नीचे अंडरग्राउंड में ही कोई ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद हो। हमारे इस रहस्यमय दुनिया में कुछ भी संभव है। नंबर 1, ग्रेविटी। अब ये आपको बहुत सिंपल लगेगा, मैं जानता हूँ। आप लोगों को तो ये लगता है कि गुरुत्वाकर्षण कोई मिस्ट्री थोड़ी ना है, इसे तो हम अच्छे से जानते हैं, और यही वो फोर्स है जिसके चलते हम जब जंप करते हैं तो हम वापस गिर जाते हैं, और यही वो फोर्स है जिसके चलते धरती सूरज का चक्कर लगा रही है। पर असल मुद्दा ये है, आखिर ग्रेविटी है क्या? मेरा मतलब फंडामेंटल लेवल में ये क्या है, और ये आखिर काम कैसे करती है? इन क्वेश्चंस को अगर आप गहराई से देखोगे तभी इनमें आपको पॉइंट नजर आएगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई सेंस ही नहीं है। इस दुनिया में कई रिसर्चर्स ये मानते हैं कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल का कॉन्सेप्ट जस्ट इंसानों ने बनाया है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। अब ग्रेविटी इतना कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग क्यों है?
तो ये लो इन्फॉर्मेशन, इस दुनिया में चार फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं: इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स और ग्रेविटी। ग्रेविटी इस पूरे ब्रह्मांड को होल्ड करती है, पर क्या आपको पता है कि ये इन चारों फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट है? इन चारों में से जो वीक फोर्स है उससे भी अरबों गुना ज्यादा छोटी है ये फोर्स। इसी के चलते ग्रेविटी को एक मिस्टीरियस फोर्स माना जाता है। रिसर्चर्स ये भी नहीं जानते कि ग्रेविटी आखिर किस चीज की बनी है। कुछ लोगों को लगता होगा कि इस सवाल का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, पर अगर आप इस क्वेश्चन की डीपनेस को देखो तब आपको समझ आएगा। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की ग्राउंड लेवल पे ग्रेविटी बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करती है। शायद ये किसी अलग ही डायमेंशन यानी आयाम में एग्जिस्ट करती होगी। खैर, ये क्वांटम फिजिक्स एक अलग ही टॉपिक है जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं दूसरी वीडियो में कवर करूंगा। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि इस धरती पे कुछ ऐसे जगह भी है जहां ग्रेविटी के लॉज काम नहीं करते, पर जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि ग्रेविटी आखिर किस चीज की बनी है, ये एक असल मिस्ट्री बन के रह गई है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और मैं हर दो दिन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक, ट्विटर और गूगल प्लस को फॉलो कर लीजिए ताकि हम लोग आपस में हमेशा कनेक्टेड रहें।